Hello and assalamu alaikum. My name is Moez Beg and I welcome you all to Harvard Pakistan Student Group and Learn's Dialogue on Accountability and Anti-Corruption. Mere saath maujood hain mere aaj ke mehman, sabiq wazir azam Pakistan, Janab Shahid Hasan Abbasi. Abbasi sahab, thank you for joining us. Thank you. Abbasi sahab, hum guftugu ka baqaida aghaz kare isse pehle, aapko haal hi mein aap corona virus ka bhi shikar hue, to ab aapki tabiyat kaisi hai? Nahi, tabiyat bilkul theek hai. Ye taqreeban koi 5-6 weeks ka process hota hai to come back to a full normal situation. So quite a debilitating disease. तो अब्बासी साहब, आपने कोविड-19 के दौरान यकीनन आइसोलेशन भी की होगी, लेकिन उससे पहले आपको एक जबरी आइसोलेशन का भी शिकार होना पड़ा जब आपको नैब ने अपनी तहवील में लिया। तो सबसे पहले अगर हम जान सकें कि आपसे एलएनजी आपके बारे में आपके ऊपर एलएनजी के हवाले से जो रेफरेंस कायम किया गया उसमें आपके खिलाफ इल्जाम क्या था और इन 7.5 महीने जो आपने तहवील में गुजारे इसमें क्या आपसे इन्वेस्टिगेशन की गई और क्या आपने ओवरऑल कैसा आपने ओवरऑल नैब के कॉन्डक्ट को पाया? नैब एक कोर्सिव इदारा है, इट्स यूज फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन शुरू पहले दिन से, और आप लोग खुद जानते हैं कि जिस चीज़ की बुनियाद गलत हो वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो नैब एक डिक्टेटर ने बनाया था अपने मकासद के लिए, और आप हैरान होंगे कि आज तक नैब ने सिर्फ एक वेल नोन पोलिटिकल फिगर को, नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया है। वो कन्विक्शन भी अब क्वेश्चन में है जो जज अर्शद मलिक का था। तो मैं 70 डेज नैब के रिमांड में रहा, उससे पहले अबाउट 14 मंथ्स मुझे वो क्वेश्चनर भेजते रहे, मैं भारत को देता रहा। तो आई फुली पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस, और बहल है कुछ 15 क्वेश्चनर्स थे, रीबिल्डिंग माई होल फाइनेंशियल लाइफ फ्रॉम 1995 ऑनवर्ड्स। हालांकि लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि आप 5 साल सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखते हैं, उसके बावजूद मैंने 35 साल का दिया। मैंने देखा कि एक सवाल वो आपसे नहीं करते कि आप टैक्स देते या नहीं देते, बाकी हर सवाल पूछते हैं लेकिन टैक्स के बारे में सवाल नहीं पूछा जाता, क्योंकि उसी से जाहिर होता है किसी ने करप्शन की है या नहीं की। तो उसके बाद एक दिन मुझे अरेस्ट कर लिया गया, कोई उसकी जरूरत नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। 70 डेज आई वॉज इन फिजिकल रिमांड विद नैब। कत्ल का रिमांड आप जानते हैं पाकिस्तान में 14 डेज का होता है, नैब के 90 डेज की प्रोविजन है, 70 डेज आई वाज देयर। एक सवाल भी 70 डेज में नैब ने मुझसे नहीं पूछा, आप हैरान होंगे। तो मकसद क्या था रिमांड में रखने का? बार बार हर 14 डेज के बाद रिमांड एक्सटेंड होता था, तो ना कोर्ट में बता सके ना मुझे बता सके भाई मकसद क्या है। तो मकसद यही होता है कि इसकी तजहीक की जाए, इसको तंग किया जाए, मेरे तो रिश्तेदारों को बुलाकर, दोस्तों को बुलाकर, बिजनेस एसोसिएट्स को बुलाकर उन्हें कोर्स करने की कोशिश की गई। मेरे साथ जिन अफसरान ने गवर्नमेंट में काम किया था उनको किया गया। तो इस किस्म के मामलात हैं ये। मैं तो ओपनली कहता हूँ कि आप आज इस पोजीशन में हैं, अगर नैब इस किस्म के काम करेगा, इस हालत में रहेगा, तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलेगी। कोई अफसर भी आज फैसला करने को तैयार नहीं है। ये सारे मामलात हैं नैब के। बस जब आपने गुफ्तगू की कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमने देखा कि हाल ही में जस्टिस मकबूल बाकर ने एक फैसला तहरीर किया आप ही की पार्टी के ख्वाजा साद रफीक साहब के बेल ऑर्डर में, और उसमें ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि कन्विक्शन से पहले डिटेंशन एक एक्सेप्शन है, बल्कि उन्होंने नैब के कॉन्डक्ट के हवाले से भी जिस तरह के तहफ़ात का इजहार आपने किया इसी तरह के तहफ़ात का इजहार उन्होंने भी किया, और इसके बाद नैब की मॉरल अथॉरिटी भी लोगों ने खासी क्वेश्चन की। अब आप क्योंकि एक सीनियर स्टेट्समैन भी हैं, क्या वो अमेंडमेंट्स हैं नैब के कानून के अंदर जो आप या आपकी जमात देखना चाहती है? मैं किसी तरह भी स्टेट्समैन नहीं हूं, मेरा कोई दावा स्टेट्समैनशिप का नहीं है। पॉलिटिक्स में 32 साल हो गए और मैंने हमेशा कोशिश की है कि कुछ असूलों पर सियासत की जाए। तो मैंने बताया नैब एक कोर्स इदारा है, तो अब हमने एक आज से 4 महीने पहले कौमी असम्बली में एक बिल लाया गया था हुकूमत की तरफ से, बड़ा माइनर सा बिल था, हालांकि मैं उस बिल का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता अगर वो बिल कायम रहता, ऑर्डिनेंस था, क्योंकि उसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को एड्रेस किया गया था कि आप, क्योंकि मेरे खिलाफ जो 2 रेफरेंस इस वक्त हैं वो दोनों फाइनेंशियल करप्शन के नहीं है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के हैं। और मैंने कोर्ट में भी पूछा है, मैंने वैसे भी पूछा है नैब से कि मुझे अथॉरिटी बता दें फेडरल मिनिस्टर की जो मैंने मिसयूज की है,
भी आज तक नैब मुझे नहीं बता सका। तो अब हमने जो अमेंडमेंट्स एक बिल की सूरत में कौमी असम्बली में दी थी, उसके बाद भी दी थी, अभी भी एक महीना पहले हुकूमत से, हुकूमत के कहने पर एक नेगोशिएशन शुरू हुआ नैब के बारे में, हमने उनको भी दी, उसमें कोई 115 के करीब अमेंडमेंट्स थी नैब ऑर्डिनेंस में। उसमें से मेरे ख्याल में जो मेजर पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि नैब, सबसे पहले नैब की एप्लीकेशन किस पे होगी, यानी नैब के अंदर आएगा कौन। आज सूरत हाल ये है कि आपने कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हो, और जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं उनमें से अबाउट 85 to 90% कभी भी पब्लिक फंड से डील नहीं करते, यानी वो मिनिस्टर्स नहीं होते, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं होते, जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस की डेफिनेशन है नैब के अंदर वो उन पर अप्लाई नहीं होती। एक आम MNA है, वो अपोजिशन में MNA है, वो क्या करप्शन कर सकता है। अगर वो कोई चोरी करता है तो आपके पास कानून मौजूद है, उसको पकड़ लें। अगर वो बैंक का डिफॉल्ट करता है, कानून मौजूद है, पकड़ लें। तो हर किस्म के, वो चोरी डाका मारता है, वो कोई बैंक लूटता है, हर किस्म के कानून मौजूद है, उसमें भी नैब का आप इतलाक कर देते हैं। मैंने इसको बड़ा स्टडी किया है, आप यकीन करें कि टुडे देर आर लेस देन 100 पीपल ऑन विच नैब कैन बी, टू हुम नैब कैन बी अप्लाइड, लेस देन 100 पीपल हु हैव हैड एक्सेस टू पब्लिक फंड्स, और नॉट एक्सेस, कंट्रोल ओवर पब्लिक फंड्स ऑफ अ सफिशिएंट क्वांटिटी वेयर नैब कैन टेक नोटिस। ये चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं FIA के कानून में, FBR के कानून में। तो हमने कहा कि इसकी एप्लीकेशन को लिमिट करें टू पीपल हु हैव कंट्रोल ओवर पब्लिक फंड्स। फिर हमने कहा कि जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, अभी कैबिनेट एक पॉलिसी बनाती है, एक नैब का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो 17 ग्रेड का ऑफिसर है, वो 3 साल पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो कहता है जी कि जो कैबिनेट का फैसला, वो भी फैसला ही गलत था। तो अब आप ये कैसे इसको कर सकते हैं कि एक आदमी कैबिनेट के फैसले को, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी हासिल है, वो कैबिनेट कमेटीज को क्वेश्चन करते हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्वेश्चन करते हैं, और हाइंडसाइड से करते हैं। तो मैंने कहा यार मैं इंसान हूँ, गलतियां मुझसे हो जाती हैं, आपने अगर हिसाब ही लेना है तो मजबूरी तौर पर हिसाब लें कि मैंने अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, आपने हिसाब किताब करना है, तो जो अच्छे कामों का जो है वो उसमें ऐड कर दें और जो गलत काम है वो निकाल दें। तो इस किस्म की, फिर आज जो गवर्नमेंट के अक्सर काम जो हैं, स्पेशली जिस मिनिस्ट्री में मैं था या जो एनर्जी मिनिस्ट्री है, पावर सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, ये सारे काम थ्रू स्टेट ओन्ड कंपनीज करते हैं। जैसे हमारे पास PSO है, OGDC है, PPL है, इसके बहुत सी कंपनीज हैं जो काम करती हैं। उन कंपनीज पे SECB का लॉ अप्लाई होता है, दे आर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, और उसमें गवर्नमेंट की माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है, तो उस पे SECB का लॉ अप्लाई होता है। SECB के जो नया कंपनीज एक्ट बना है, आप जानते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि नैब इसके काम में इंटरफियर नहीं करेगा, इसके बावजूद नैब जाके उसको इन्वेस्टिगेट करता है और आप पे इल्जाम लगाते हैं। यानी मेरे पर जो दोनों इल्जाम लगे हैं वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हाउ कैन आई इन्फ्लुएंस अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी विच हैज अ इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट, तो इसके जवाब नहीं है। इसी तरह आप प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है नैब के अंदर, ये एक बड़ा ड्रैकोनियन कानून है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है कि जनाब हमने आपको एक्यूज कर दिया, नाउ यू गिव अस एविडेंस दैट आवर एक्यूजेशन इज रॉन्ग। अब आप ये देखें, नैब में ना बेल, अरेस्ट आर्बिट्ररी है जिस तरह बाकर साहब ने कहा, ना बेल है और रिमांड भी मौजूद है। तो अगर जब मुझे नैब मुझे एक्यूज कर देगी, रिमांड में रखेगी, जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी, अब मैं तो अंदर हूं, हाउ विल आई एवर फाइट माई केस, ना वहां मेरे पास कंप्यूटर है, ना मुझे हफ्ते में एक दिन लॉयर के साथ मिलता है, एक दिन, एक घंटा, तो उसमें मैं क्या बात उनसे कर सकूं, क्या मैं कैसे अपने आप को डिफेंड करूंगा, दीज आर कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो हमने कहा कि आप अरेस्ट किसी को ना करें, आप एक्यूज करें, आप उनको ट्राई करें, और फिर टाइम फ्रेम्स हैं। मैंने मेरे खिलाफ मैं नैब के जो ओरिजिनल
इफेक्ट ही इस दौर में था 2000 के अंदर। मुझ पे नैब का केस बना उस जमाने में जो कि $1,000 का केस था। मैं पीआईए चेयरमैन था, मुझे अक्यूज किया गया कि आपने 200 कंप्यूटर पीआईए ने खरीदे हैं, वो एक्चुअली $5 सस्ते खरीदने चाहिए थे। तो $1,000 का केस बना, 9 साल वो केस चलता रहा, 9 years I could have been behind bars for 9 years। वो लकीली अनलकीली मैं उस वक्त एक बहुत बड़े केस में जो हाईजैकिंग केस था मुशर्रफ, उसमें मैं जेल में था, तो मुझे वो अरेस्ट नहीं कर सके। तो मैं जब वहां से मेरी बेल हुई उस केस से, तो मैं यहाँ से भी मैं तो 9 years I appeared in court in Karachi, और 9 years में कोई प्रोसिक्यूशन का विटनेस नहीं पेश हुआ। उसमें नैब ने आना छोड़ दिया, प्रोसिक्यूटर ने आना छोड़ दिया, बट वी अपीयर्ड फॉर 9 years एंड फाइनली द फिफ्थ जज इन दैट केस एक्विटेड अस सेइंग दैट देयर इज नो एविडेंस। सो दिस किस्म के फार्स हैं। अब इसके बाद तो इन चीजों को बदलने की जरूरत है कि भाई आप एक टाइम फ्रेम लें जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, आप रेफरेंस फाइल करेंगे, आप ट्रायल करेंगे। 30 days दिए हुए हैं लॉ के अंदर, आज हमें 2 साल हो गए, नथिंग हैज हैपेंड। फिर जब नैब आपको अरेस्ट करता है, योर होल लाइफ गोज ऑन होल्ड। आपके अकाउंट बंद हो जाते हैं, आपके कारोबार बंद हो जाते हैं, आपके लोन लोग आपसे डिमांड वापस करते हैं जो बैंक्स होते हैं, आपके रिश्तेदार भी इफेक्ट होते हैं, आपके बिजनेस एसोसिएट भी इफेक्ट होते हैं, यानी लिटरली योर लाइफ इज ऑन होल्ड। अब हमें दिस स्टार्ट्स विद द स्टार्ट ऑफ द इंक्वायरी, नॉट इवन अ फाइलिंग अ रेफरेंस। तो इसी तरह आपको ECL पे डाल दी, यू कैन नॉट ट्रेवल अब्रॉड। सो Now, if you don't do anything, I'm already being punished by NAB. इसी तरह इसमें financial records की मैंने बात की है कि FBR कहता है कि 5 साल आप financial records रखेंगे, NAB जो है वो 35 साल के, मैंने 35 years के financial record दिए। अगर मैं ना दे पाता तो जो उन्होंने मुझे accuse किया था वो सही, वो कहते हैं ये सही है। अब आप उसको face करते रहें, एक रिक्वायरमेंट नहीं है रिकॉर्ड रखने की, आप उसको। फिर नैब 3 चीजें इस्तेमाल करता है, वो अब्यूज करता है कानून को। एक है एसेट्स बियॉन्ड मींस, वो कहेंगे जनाब ये आज से 30 साल पहले एक जैसे मियां नवाशी के साथ हुआ, आपके वालिद ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, अब उसकी मनी ट्रेल हमें दे दें। मैं कहां से मनी ट्रेल लाऊंगा, आज वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस मेरे पास आ गई है, मैं कहां से मनी ट्रेल लाऊंगा। दूसरा ये बेनामी इस्तेमाल करते हैं। अब ये एसेट बियॉन्ड मींस की डेफिनेशन जो है लॉ में इतनी वेग है कि आप किसी पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है बेनामी। बेनामी में क्या कहते हैं, आपके दोस्त को बुलाएंगे, आपके बिजनेस एसोसिएट को बुलाएंगे, उसे कहेंगे यार ये जो मकान है, ये प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी नहीं है, ये उसकी है, तुम उसके बेनामी हो। नाउ प्रूव टू अस दैट यू बॉट दिस प्रॉपर्टी, फ्रॉम विच फंड्स डिड यू बाय दिस प्रॉपर्टी। अब उसमें लोगों की पुरानी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी चली आ रही होती है, लोगों ने कारोबार किया होता है, कुछ ने टैक्स दिया होता, कुछ नहीं दिया होता, यू नो कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है आजकल। तो अब जो आदमी ये प्रूव ना कर सके, मेरा दोस्त या एसोसिएट, तो उसमें वो कहते हैं जी ये अब उसकी प्रॉपर्टी साबित हो गई है, बेनामी बन गई। तीसरी बात, जब ये दोनों में कुछ ना मिले तो मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग में एक्यूज कर लिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन जो है वो बड़ी क्लियर है कि जो पैसा आप मूव करेंगे, जो पैसा किसी करप्शन से, प्रूवन करप्शन के सोर्स से आया हो, जिसमें ये आपने किसी को जो पैसा उसके पास आया है ये प्रूव कर दिया कि करप्शन का पैसा है, उसको अगर मूव किया गया तो वो मनी लॉन्ड्रिंग है। मेरे ऊपर जब कुछ नहीं मिला तो मेरे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या की कि मेरे जो बैंक अकाउंट था, मैंने अपनी 35 इयर्स की हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन दे दी। उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि आपने अपने बेटे को पैसे भेजे, मेरा क्योंकि मैं खुद तो गवर्नमेंट में था, तो मैं सारी टैक्स पेड मनी मेरे अकाउंट में आई, वो टैक्स पेड है, उसका सोर्स भी डिफाइंड है, हर चीज बड़ी क्लियर है। मैंने वो पैसे बेटे को भेजे, उसने कारोबार किया, उसने कुछ पैसे मुझे वापस भेजे, उन सब को ऐड करके कहा। उन्होंने कहा जी ये इतने, दिस इज ओवर अबाउट 8 years, उन्होंने कहा जी ये जो गए वो भी ऐड किए, जो आए वो भी ऐड किए, उसके अकाउंट में गए उनको भी डबल ऐड किया,
और कहा जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। मैंने उसे एक सवाल किया, मैंने कहा टैक्स पेड पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है? मेरे पास तो ये राइट है कि मैं दुनिया में किसी को पैसा भेज दूं, यहाँ तो मैंने अपने बेटे को भेजे हैं और मैंने टैक्स रिकॉर्ड में डिक्लेयर किया है कि मैंने ये अपने बेटे को भेजे, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग, आप पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजे वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, आपके पास बाहर से आए वो भी मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है मनी लॉन्ड्रिंग की, जो MLA के अंदर मौजूद है, AMLA में मौजूद है, वो डिफरेंट है। इसी तरह जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब की भी लाइफ होल्ड में चली जाती है, किसी को किसी वक्त लैब पकड़ के अंदर कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन बुलाते हैं, मेरे बेटों को, डॉटर्स इन लॉ को, उन सबको बुलाया गया, उनके यानी मेरे जो बेटे के फादर ग्राउंड को भी बुलाया गया, आप बताएं आगे जी कि आपके आपके सासे क्या है, आप क्या करते हैं। तो इस किस्म की एक पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है, और बड़ी बड़ा क्लियर मैसेज होता है कि आराम से घर बैठे रहें, हुकूमत के खिलाफ बातें ना करें, कुछ नहीं होगा। ये आपको बार बार मैसेज आता है, वो कहते हैं जी हम बड़े मजबूर हैं कि हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती हैं काम करने की, आप मेहरबानी करें बस बातें ना करें, टीवी पे कम जाया करें, हुकूमत के खिलाफ जरा बात कम करें, कोई बात नहीं होगी। जैसे ही आप एक लिटरली मैंने इसको टेस्ट किया है, मैंने टीवी पे गया, एक इंटरव्यू दिया, नेक्स्ट डे मुझे लैब का नोटिस आ गया। तो इस किस्म की जब चीजें होंगी, इस किस्म की क्वेश्चन लैब जो है वो करता है। उम्मीद करते हैं कल भी मंडे है कि कल आपको कोई और रेफरेंस ना आ जाए तीसरा। नहीं रेफरेंस देखिए, रेफरेंस बनाना कौन सी देर लगती है, आप झूठ के जो मर्जी रेफरेंस बना दें। मुझ पे केस एक बनाया गया कि PSO के MD की अपॉइंटमेंट आपने की है, हाई कोर्ट में किसी वजह से सिंध के अंदर आप जब ट्रायल कोर्ट में जाते हैं आपको हाई कोर्ट से बेल करा के जाना पड़ता है, हालांकि कानून ये नहीं है बट सिंध में ये प्रेसिडेंट बन गया है। तो हाई कोर्ट के जज साहब ने पूछा नैब से कि मुझे बताएं इन लोगों का जुर्म क्या है, ये नैब नहीं बता सका। उन्होंने पूछा कि अपॉइंटमेंट कौन करता है PSO MD की, प्राइम मिनिस्टर करता है, तनख्वाह कौन सेट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। उन्होंने कहा देखिए ये जो मिनिस्टर है इनका क्या कसूर है, जिस आदमी को तनख्वाह मिली है, जिसे 3 साल काम किया है PSO में, उसका क्या कसूर है। तो मतलब एक बिल्कुल झूठ पर मबनी केसेस हैं, और आप खुद उसको देख लें, आज तक नैब का कोई केस भी हाई कोर्ट से ऊपर नहीं गया, हाई कोर्ट ने सबको स्ट्राइक डाउन कर दिया। और फिर उसके बाद जो एक बड़ा जुल्म होता है वो अप्रूवर्स का है, कि आपके साथ जिन अफसरों ने काम किया होता है उनको बुलाकर 2 कागज रखते हैं, देखिए ये तुम्हारा अरेस्ट है, ये तुम्हारी अप्रूवर की स्टेटमेंट है, मेक योर चॉइस। मेरे सेक्रेटरी के साथ ये हुआ, मेरे साथ जो अफसरान काम, मेरे स्टाफ के साथ ये हुआ कि या आप जेल जाए अभी या आप ये अप्रूवर स्टेटमेंट पढ़ दें। तो इस किस्म के मामला जो है, तो फिर आप खुद जानते हैं कि आज पाकिस्तान में इंसाफ सस्ता नहीं है, हम हमेशा बड़े सस्ते इंसाफ की बात करते हैं। नैब का केस अगर आपने सही लड़ना हो, यू लुकिंग एट 10 मिलियन रुपीज। मैं 5 साल वजीर रहा हूँ, मेरा टोटल जो मुझे हुकूमत ने पैसे दिए हैं दे आर लेस देन 9 मिलियन रुपीज इन 5 ईयर्स, तो वो टोटल मेरी तनख्वाह है। तो आप मुझसे क्या है? मैं अब कहाँ से कोई चोरी करके लाऊंगा पैसे कहाँ से? मैं ये सिर्फ एक केस के, मुझे आप 3 केस बना दें, मेरा पता नहीं वॉल्यूम डिस्काउंट भी लॉयर्स देते होंगे तो वो कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं कि ये सारा कोर्शन का तरीका है। फिर बैंक डिफॉल्ट है, मैं बैंक डिफॉल्टर नहीं हूँ, लेकिन बैंक डिफॉल्ट का कानून मौजूद है, उसमें अगर वो डिफॉल्ट करता है वहां उसको पकड़े, यहाँ भी बैंक डिफॉल्ट डाला हुआ है। फिर जो इंटरेस्टिंग बात डाली है, क्योंकि पाकिस्तान में पैसा रियल एस्टेट में जाता है हमेशा से, और हमेशा जो जिसे ब्लैक मनी कहते हैं हमेशा रियल एस्टेट में जाता है, और पाकिस्तान में इतनी बड़ी पोटेंशियल नहीं है उसको इन्वेस्ट करने का, तो इन्होंने वो भी डाल दिया कि हाउसिंग स्कीम के अंदर डाल दी, या कोई आदमी और बड़ा कारोबार कर रहा है जहाँ लोगों से पैसे रेज कर रहा है। अगर भाई कोई फ्रॉड कर रहा है, आप 50 लॉज मौजूद है फ्रॉड में, उसको पकड़े, उनको भी यहाँ शामिल किया हुआ है नैब की ऑर्डिनेंस में, इसलिए कि उन लोगों से पैसा बनाया जाए। मैं आपको ये इसलिए नहीं कि मुझे नैब का केस है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे करप्ट इदारा जो है वो नैब है, क्योंकि जिसके पास भी, बड़ी सिंपल बात है, जिसके पास भी कोर्सिव पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा पोटेंशियल है उसको
पैसे लेकर लोगों को छोड़ने था, और उसके सबूत मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ा मशहूर केस था कि एक सूबे के अंदर 2 बिलियन रुपए कैश बरामद हुआ एक सरकारी अफसर से। वो सरकारी अफसर एक दिन भी जेल नहीं गया, आज तक कोई कन्विक्शन नहीं है। तो इस किस्म के मामलात बड़ी क्लैरिटी है नैब के अंदर कि करप्शन जो है या नैब सिर्फ जो अपोजिशन पे इसका इतलाक होता है और उन लोगों पर होता है अपोजिशन में जो बोलते हैं, उनको हम गिरफ्तार भी करेंगे, उनको दबाएंगे भी, उनको डराएंगे भी, उनको तंग भी करेंगे। ये सारी नैब की कहानी है जी। अब बाकी साहब, आपने गुफ्तगू की कि नैब के ओरिजिन से ही नैब को इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, तो यहाँ एक सवाल ये उठता है कि 2013 से 2016 के दरमियान जब अभी पैनामा का स्कैंडल नहीं आया था और नू लीग की हुकूमत थी, तो क्यों नहीं नू लीग ना पीपल्स पार्टी ने मिलकर नैब के लॉ में कोई अमेंडमेंट्स लेकर आए? और इससे कुछ लोगों का खदशा उभरता है कि क्योंकि उस जमाने में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में कार्रवाइयां की जा रही थी अंडर द नैब लॉ और नून लीग ने उस वक्त स्टैंड नहीं लिया, तो आज जो नून लीग का स्टैंड है ये एक प्रिंसिपल स्टैंड नहीं, ये एक स्टैंड ऑफ कन्वीनियंस है। नहीं, स्टैंड देखें, लॉज कभी कन्वीनियंस पे नहीं होते, लॉज सब पे अप्लाई होते हैं। तो ये जो नैब का लॉ है, क्योंकि ये बड़ा स्पेसिफिक लॉ है, इट अप्लाइज टू होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस, और वो इसको अमेंड भी कर सकते हैं। तो इसमें जब तक कंसेंसस नहीं होगा को अमेंड नहीं होना चाहिए, मतलब जो करेगा उसे इल्जाम लगेगा ये अपनी करप्शन बचा रहा है। हालांकि ये बड़ी बात क्लियर है कि नैब ने आज तक ना करप्शन बचाई है बल्कि करप्शन बढ़ाई है, ना वो किसी को कन्विक्ट कर सके हैं, ना वो अकाउंटेबिलिटी कर सके। ये अकाउंटेबिलिटी के नाम पे बनाया गया था, बट मकसद पॉलिटिकल मैनिपुलेशन था, वो हो गई। अब मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने एक कोशिश की कि फाटा के बिल के साथ इसको जोड़कर इसको अमेंड किया जाए। मुझे हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी से बड़ा क्लियर मैसेज आया, अगर आपने नैब को छेड़ा तो हम इसको उसी दिन स्ट्राइक डाउन कर देंगे। तो इसमें बहुत से और भी इंटरेस्ट हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, आज भी हो रहा है। तो जो भी इक्तदार में होता है वो इसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको बाद में तकलीफ जरूर होती है। हमने कम अज कम अपनी गवर्नमेंट के अंदर कभी भी, नैब के चेयरमैन मौजूद हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, हमने कभी भी उनको अप्रोच नहीं किया कि किसी के खिलाफ केस बनाएं या ना बनाएं। आज प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में एडवाइजर्स मौजूद हैं जो डेली कांटेक्ट में हैं नैब में, उनसे को फोर्स करते हैं कि इस पे केस बनाएं, इस पे तंग करें, इस बंदे को छोड़ दें। तो आज एक डिफरेंट माहौल है, लेकिन जब तक आप नैब को अमेंड नहीं करेंगे, अब ये बात सब पे वाजे है कि अगर नैब को आप अमेंड नहीं करेंगे आपका मुल्क नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी सरकारी अफसर फैसला करने को तैयार नहीं है। जब आप पॉलिसी को क्वेश्चन, आपने बात की हाई लेवल ऑफ जुडिशरी की, आपको याद होगा 2018 में एक अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग हुई थी आपके उस वक्त के चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के अंदर, क्या ये मामला उस वक्त जेर बहस आया आप लोगों की मीटिंग के दौरान? नहीं, मैंने ये मीटिंग उनकी ख्वाहिश में हुई थी, मेरी ख्वाहिश में नहीं हुई थी। मैंने उनको इज्जत दी, मैं चला गया। जो उनका रवैया था, जो बातें उन्होंने की, वो मेरा ख्याल हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए, लेकिन वो मीटिंग को मुनासिब मीटिंग नहीं थी। मैं उस मीटिंग से कोई ज्यादा होप्स लेकर नहीं आया था, ये एक बदकिस्मती है जी। अपासी साहब, आपने अब जो बात की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमने नैब लॉ की तो बात की, लेकिन एक हमारा ब्रॉडर पॉलिटिकल कल्चर है जिसमें नैब ऑपरेट करती है और जिसमें सक्सेसिव हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं ना सिर्फ नैब का बल्कि पुलिस का और दीगर एजेंसीज का अपनी अपोजिशन को मजल करने के लिए। तो अगर अब हम थोड़ी सी सियासी बात कर लें, आप क्योंकि बहरहाल APMLN के सीनियर पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, आप ही की पार्टी के ख्वाजा साद रफीक साहब जब जेल से छूट कर आए तो उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने पॉलिटिकल काडर को ऑर्गेनाइज करें, मुनज्जम करें, तो क्या वो रिफॉर्म्स हैं जो आप अपनी पार्टी में देखना चाहेंगे और क्या आप अपनी पार्टी को ये बात अपनी पार्टी पे इम्प्रेस कराने की कोशिश करेंगे कि वो लोग, वो नाम जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो मुनासिब नहीं, लेकिन वो लोग जो बार बार अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज करते हैं, जिन्होंने 2002 में अपनी लॉयल्टीज चेंज की, उसके बाद अभी अपनी लॉयल्टीज चेंज की, उनको अपनी पार्टीज में ना अकोमोडेट किया जाए बल्कि अपने वर्कर्स को आगे लेकर आया जाए? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इसे एग्री करता हूँ, और सिर्फ एग्रीमेंट नहीं है, मैंने हमेशा इस चीज़ के खिलाफ बात भी उठाई है। लेकिन देखें, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हमेशा एक्सपीडियंसी की पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में रहती है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इन चीज़ों का फैसला एक तो जमातें तो इंटरनली करें, लेकिन ये फैसला आप आवाम पे छोड़ दें। इसलिए जब हम बात करते हैं वोट को इज्जत दो, वो वोट के एहतराम की बात है कि जो पाकिस्तान के अवाम फैसला करते हैं उसी को कबूल किया जाए, इलेक्शन के प्रोसेस में मैनिपुलेशन ना हो, इलेक्शन मुतनाज़ा ना हो।
वहीं से ये लोग जो लॉयल्टीज बदलते हैं, आपके सामने सेनेट के अंदर अदम एतमाद हुआ, 60 लोग खड़े हुए, वोट पड़े तो 52 थे या 54 थे, यानी 12-14 लोगों ने उन चंद मिनट्स में अपना जमीर जो बेच आए थे उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया। अब आप किसी को पकड़ नहीं सकते, सीक्रेट वोट था, तो इसलिए नजर आता है। और इस तरह के बहुत से लोग हैं जो जमातें बदलते रहते हैं, तो उनको जमातों को कबूल भी करना छोड़ देना, इलेक्टेबल होते हैं, इसमें हकीकत है। लेकिन जब आप वोट अवाम की राय का एहतराम करेंगे, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन नहीं होगी, तो अवाम ही बेस्ट तरीका इन लोगों को रिजेक्ट करने का। अच्छा अब्बासी, जब हमने गुफ्तगू की नैब की, जो हमारा टॉपिक था आज, और गो के हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि परसों एक अंधनाक वाकया हुआ लाहौर के अंदर, के जहां पर एक खातून के साथ जबरी ज्यादती की गई उनके बच्चों के सामने, और उसके बाद एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट आया CCPO साहब का कि आप औरतें जो हैं 12 बजे के बाद अपने घरों से ना निकलें, तो इसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि वो लोग जिनका फर्ज है कि आपको तहफ़ फरहम करें, वही अगर इस तरह के बयान देंगे तो खवातीन पाकिस्तान में अपने आप को कैसे महफूज समझें और किस तरह वो जाएं बाहर काम करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए? देखिए, बयान तो उस शख्स ने दिया है ना, उसको लगाने वाले कौन है? एक सेकंड लगता है उसको हटाने में, कि आज हुकूमत के चीफ मिनिस्टर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको हटा सके। ऐसे ऐसे बयान पर आप क्या समझते हैं कि ऐसा अफसर ऐसी जगह पर रह सकता है? जो एक पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर का पुलिस चीफ हो, उसका रवैया आपने देखा। अफसोस, मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, ये एक बड़ी सिंपल बात है कि जिस शख्स का जहन ये हो, आप खुद ही सोचें वो शहर में क्या करेगा। उसका माजी आप देख लें, इसी हुकूमत ने 2 महीने पहले उसको प्रमोट नहीं किया। वो रिपोर्ट्स हुकूमत पब्लिक करे ना जो शख्स के बारे में है। आपको ये तो पॉलिटिकल फेलियर है, ये निज़ाम का फेलियर है कि आप ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, आप ऐसे लोगों को पोजिशन ऑफ अथॉरिटी में बिठाते हैं, वहीं से फेलियर शुरू होता है। अगर वहाँ एक बेहतर अफसर लगा होता, उसका काम ये था कि जो इल्ज़ाम लगे, आपने वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए ऐसे ऐसी चीज़ों के लिए, वहाँ एक बड़े स्पेशल तरीके से, बड़ी एक हमदर्दी के साथ ऐसे मामलों को देखा जाता है और उसके कोशिश की जाती है एविडेंस कलेक्ट किया जाए, उन चोरों उन लोगों को पकड़ा जाए जो ये जुर्म करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई, उल्टा एक किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया खातून पर, रात को निकली क्यों है, आपने ये सड़क क्यों ली है। तो एक बड़ी अजीब सी सोच आज मुल्क में इक्तदार में है, और अभी तक किसी हुकूमत के अफसर ने, उस हुकूमत के एहलकार ने, वजीर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने उसके इस बयान को कंडेम नहीं किया। मैं तो कहता हूँ उस शख्स को उसी वक्त वहां से सस्पेंड कर निकालना चाहिए था, लेकिन नहीं, आज भी मौजूद है। जी शुक्रिया अब्बास साहब, अगर आपको अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे सके नैब के लॉ के हवाले से, और इसका मुस्तकबिल क्या है, क्या नैब को रिपील कर देना चाहिए, क्या एक नई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनानी चाहिए, और आज जहां मुल्क खड़ा है इस अकाउंटेबिलिटी के नाम में जो इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, फ्यूचर हम क्या देखते हैं इस मुल्क का और इस अकाउंटेबिलिटी का? बड़ा सिंपल है, अगर नैब रहेगा आपको मुल्क नहीं चलेगा, हुकूमत नहीं चलेगी, अफसरान फैसला नहीं करेंगे, वजीर फैसले नहीं करेंगे। मैंने खुद समरीज देखी है, 3-3 दफा ICC से वापस भेजी जाती है। अब इशू अकाउंटेबिलिटी का, और ये भी प्रूव हो गया 20 साल में कि नैब अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता, कोर्शन कर सकता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी का लॉ बड़ा सिंपल है, वो टैक्स लॉज इस्तेमाल करें। आज जो कौमी असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, 342 वहां बैठे हैं, 108 सेनेट में बैठे हैं, ये सब इनसे पूछें कि आप जब असेंबली से बाहर निकलते हैं, आप 1-3 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं, आप 10 करोड़ के घर में रहते हैं, आपके 2-2 लाख के बिजली का बिल है महीने का, आपके खर्चे हैं, आपको फॉरेन ट्रेवल है, आपके क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं, टैक्स आप 60,000 रुपया देते हैं जो असेंबली की तनख्वाह में कटता है। सवाल तो ये है, वहीं से सारी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी कि जिस आदमी के खर्चे हैं वो और उसके टैक्स पे नहीं करता, तो उसकी इनकम जो है मशकूक हो गई, वो चोरी कर रहा है, वो डाका मार रहा है, उसको अंदर करें, उसको निकालें असेंबली से। बड़ी सिंपल बात है, इसमें कोई नैब की जरूरत नहीं है। ये तो आप बगैर किसी को घर बुलाए उसे पूछ सकते हैं कि किसी को दफ्तर में बुलाए कि भाई बताओ तुम्हारे ये खराजात हैं। आज हमारी हुकूमत आपकी टोटल फाइनेंशियल लाइफ को रीबिल्ड कर सकती है, लेकिन ये तवज्जो नहीं है, क्योंकि इससे तो चोर सारे पकड़े जाएंगे। मैं आपको, सारी कैबिनेट खाली हो जाएगी,
हमारी कैबिनेट में, हमारी हुकूमत में भी, हमारे लोग भी ऐसे होंगे कुछ, लेकिन हम जब नहीं पकड़ना चाहते नहीं पकड़ेंगे। फिर नाम अकाउंटेबिलिटी का चलता है, अकाउंटेबिलिटी के लिए सिर्फ एफबीआर और उसके टैक्स लॉस बहुत हैं। एफबीआर को इस्तेमाल ना करें, वॉलंटरी तौर पे पूछें कि भाई साहब ये आपके खर्चे हैं, ये आपकी आमदन है, बताएं कैसे कहाँ से पैसे लाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, सारी बात खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया बास साहब, आपने अपनी मसरूफियात से हमारे लिए वक्त निकाला और आज हमने गुफ्तगू की पाकिस्तान में किस तरह अकाउंटेबिलिटी के नाम पर लोगों को साइलेंस किया जा रहा है, मजल किया जा रहा है, और निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां चली है रस्म कि कोई नसर उठा के चले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बासी साहब। थैंक यू।